अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़ुज़ामान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब आज की डेट है 24 जुलाई, डे है जनाब मंडे। एज़ पर रूटीन के एसी 100 का डेली रिव्यू अपन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। टेक्निकल चार्ट के ऊपर आपके साथ टेक्निकल एनालिसिस शेयर करूँगा और आज आपके साथ कुछ स्टॉक भी डिस्कस करूँगा जिन्होंने लास्ट ओवर के अंदर आज काफ़ी तेज़ी दिखाई है और कल 25 जुलाई मंगल को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो जनाब शुरुआत करते हैं के एसी 100 से। तो इंडेक्स ने आज अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 46,054 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जनाब 11 फरवरी 2022 के बाद 46,000 को डेली बेसिस के ऊपर मैनेज किया है और क्लोजिंग जो दी है 46,000 के ऊपर दी है। डेली चार्ट के ऊपर जनाब जो कैंडलस्टिक बनी है यहाँ पे आपके सामने देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब दो जी स्टार कैंडलस्टिक बनी है जो कि एक रेंज बाउंड पोजीशन को इंडिकेट कर रही है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही वो रेंज बाउंड रही और उसके बाद जो क्लोजिंग हुई जनाब वो फ्लैट हुई है। अगर हम बात करें कल की शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस की तो 46,220 बरकरार है रेजिस्टेंस। सेकंड रेजिस्टेंस 46,309 की है। अगर बात करूँ सपोर्ट की तो जनाब शॉर्ट टर्म पे सपोर्ट 45,952 की है। उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट है 45,544 की है। ओवरऑल जो पोजीशन है जनाब फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रही है, लेकिन डोजी कैंडलस्टिक जनाब इस बात को इंडिकेट कर रही है कि मार्केट जो है कल भी रेंज बाउंड रह सकती है। अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर 25% डिक्लाइन है। 154.03 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, 0.5 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। वॉल्यूम के अंदर स्लोली जो है वो ग्रेजुअली हमें डिक्लाइन नजर आया है। ठीक है ना, अब देखते हैं स्टॉक के बारे में कि किन स्टॉक जो कल परफॉर्म कर सकते हैं। जनाब अगर आप हमारा ट्रेड लाइक चैंपियंस प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसकी बड़ी नॉमिनल फ़ीस है, मंथली 1,500 PKRC की फ़ीस है, जिसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर आपको मार्केट की अपडेट और स्टॉक्स की अपडेट दी जाती है, बाय कॉल्स एंड सेल कॉल्स दी जाती हैं और अवर्ली बेसिस के ऊपर इंडेक्स की अपडेट दी जाएगी और अगर आपके भी कोई स्टॉक होंगे फेवरेट तो उनके भी बाय सिग्नल और सेल सिग्नल दिए जाएंगे। तो ये हमारा जनाब बहुत छोटा सा प्रीमियम ग्रुप है। अगर कोई इसको ज्वाइन करना चाहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, जो कि मेरा नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है 0331-3544-652। अच्छा ना, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, मार्केट के अंदर सीख के काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए जनाब हमारा जो ग्रुप है टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स, मंथ का कोर्स है। इसकी क्लास जो है फोर्थ बैच की, ये हमारा फोर्थ बैच है जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट होगा और इसके अंदर जो एडमिशन वो स्टार्ट है और आफ्टर आशूरा इसको स्टार्ट करेंगे, जिसकी जो 1 मंथ की फुल जो कोर्स की फ़ीस है वो जनाब जस्ट 5,000 है। अच्छा जनाब आज जो है लास्ट ओवर के अंदर के एसी 100 डेज में जिन सेक्टर के अंदर जनाब जिस सेक्टर के अंदर हमें तेज़ी नज़र आई और उनमें से कुछ स्टॉक ने एकदम अचानक जो है परफॉर्म किया, बूम किया, उनमें नंबर 1 जो है जनाब ATRL है। ATRL का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। आप देख सकते हैं कि ATRL ने आज अपना लो पोस्ट किया है, 204 का किया है, 204 का अपना लो पोस्ट किया है। यहाँ से जंप मार्के इसने अपना जो आज हाई पोस्ट किया है 214.50 का अपना हाई पोस्ट किया है। अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है जनाब 212.30 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बना है जनाब बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बना है जो कि फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा ATRL के पास अब जो सपोर्ट है जिसका इसने ब्रेकआउट दिया है आज 211.50 का, अब ये फर्स्ट सपोर्ट रहेगी और जो रेजिस्टेंस है जनाब 217 के अराउंड रेजिस्टेंस है। तो ATRL की पोजीशन को देखते हुए इसकी RSI को चेक कर लेते हैं। जनाब इसकी जो RSI है 69 इसकी RSI है। वॉल्यूम की बात करें तो आज वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है, 1.75 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है। तो ATRL के अंदर जनाब कल भी आप जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जिस तरीके से आज ATRL ने परफॉर्म किया लगता है कि कल भी ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। तो ATRL के अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी फॉलो कीजिएगा और अपना टारगेट रखिएगा 217 का। इससे जनाब रिफाइनिंग सेक्टर का जो सेकेंड स्टॉक था NRL, इसके अंदर भी जनाब लास्ट ओवर के अंदर हमें जो एक तेज़ी नज़र आई है वो अचानक जनाब इसने अच्छा परफॉर्म किया है। अपना जो इसने आज लो पोस्ट किया है 215 के अराउंड अपना लो पोस्ट किया है, अपना जो हाई पोस्ट किया है 225 का किया है, अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 223 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। जनाब आज इसने ब्रेकआउट भी दिया है
222 रुपीज़ 40 पैसा की जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके इसके अबाव गया है, क्लोजिंग इसके अबाव एडजस्ट की है तो ना कल भी ये परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है जनाब यही बनती है 222 रुपीज़ 40 पैसा की, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है जनाब मेजर रेजिस्टेंस जो कि 232 रुपीज़ 94 पैसा की है, तो यहाँ का ब्रेकआउट जनाब इसको नए चैनल के अंदर एंटर कर देगा। यहाँ से NRL जनाब 245-48 तक भी जा सकता है। अगर हम बात करें जनाब इसकी वॉल्यूम की तो वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है, 1.24 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, इसकी RSI 77 है, ओवरबाउट है, ऑल ओवर पोजीशन जनाब इसकी मेजर ट्रेंड की पोजीशन बुलिश है और यहां से ये फर्दर अपवर्ड आपको दिखा सकता है। तो इसके अंदर भी कल भी आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी फॉलो कीजिएगा NRL ATL के अंदर, ठीक है ना। तो ये दो स्टॉक मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं, ATRL NRL जो कि कल भी परफॉर्म कर सकते हैं 25 जुलाई को, और इंडेक्स भी जनाब फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। तो इंडेक्स की पोजीशन और इन दो स्टॉक की पोजीशन दोनों जो है जनाब अपवर्ड को फेवर कर रही है। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।